आपको बता दें कि एक लुटेरा बदमाश अरेस्ट हो गया है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़। एक लुटेरा बदमाश अरेस्ट किया है, लेकिन अभी भी जो दो बदमाश थे वो फरार हो गए हैं। मोबाइल, जेवरात, तमंचा, चार कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस को सर्राफा व्यापारी से हुई लूट में वांछित था ये बदमाश, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। रतनपुरी थाना क्षेत्र के भनवाड़ा रोड का ये पूरा मामला, पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ और मुठभेड़ में एक लुटेरा बदमाश अरेस्ट। सचिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, पुलिस को क्या कुछ जानकारी इस बदमाश के पास से मिल पाई है जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, और क्या इसने अपने दो साथियों के बारे में अभी तक कुछ भी उगला है कि कहां वो जा सकते हैं? बिल्कुल शिवांगी, आपको बताना चाहूंगा कि भनवाड़ा रतनपुरी थाना क्षेत्र के भनवाड़ा रोड पर कुछ दिन पूर्व एक सुनार से लूट की गई थी और लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश होकर से फरार हो गए। आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट किया है, वहीं इसके दो साथी बाइक लेकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसके कब्जे से तमंचा और लूटे गए सोने चांदी के जो जवाहरात है वो बरामद हुए हैं, और पुलिस इससे गहनता से पूछताछ कर रही है कि वे दो बदमाश कौन थे आखिरकार। जी सचिन, इस जिस बदमाश को पकड़ा गया, इसके साथ जो आरोपी, तो उनको खैर पुलिस अभी ढूंढ रही है, उनकी जांच पड़ताल कर रही है। आपने हम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर देखिए पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक लुटेरा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी जो दो साथी उसके थे वो फरार हो गए, उनकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। मोबाइल, जेवरात, तमंचा, चार कारतूस पुलिस ने इस लुटेरे के पास से बरामद किए।